खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 18,653 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं इस महामारी से 507 लोगों की जान गई है। एक दिन में कोरोना से मरने वालों की यह सबसे ज्यादा संख्या है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार। इसके साथ ही भारत में अब कोरोना वायरस के कुल 5,85,493 मामले हो चुके हैं। इनमें से 3,47,989 लोग या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं कोरोना से अब तक कुल 17,400 लोगों की मौत हो चुकी है। बात अगर राजधानी की करें तो दिल्ली में कोरोना का विस्फोट जारी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,199 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 62 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 87,360 हो गए हैं, जबकि 2,742 लोगों की जान जा चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल पांडे, फिजिशियन, जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। डॉक्टर अनिल पांडे, सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज डॉक्टर्स डे है और सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, क्योंकि पिछले अगर हम समय की बात करें, लगातार किस तरह से कोरोना वॉरियर्स की तरह फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स खड़े रहे हैं और किस तरह से उन्होंने मरीजों की सेवाएं की है, देश की सेवा की है, वो हम सब जानते हैं। सवाल पहला यही है कि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, आंकड़ा लगातार देश भर में बढ़ता जा रहा है। अगर हम अभी इस समय की बात करें तो आज ही 24 घंटे में लगभग 18,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं और दिल्ली और महाराष्ट्र में तो हालात बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, हम सब देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अनिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, अपनी बात रखिए सर। जी, हम ये कह रहे हैं कि इसमें डॉक्टर जो है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डॉक्टर हिंदे की बधाई दी। जी जी, और सभी डॉक्टर को मैं बधाई देता हूँ और अपने साथ जो सहयोगी लोग हैं जो लगे हुए हैं जनता की सेवा में और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में, उन सभी का धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जागरूकता फैला रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बताओ का यही एक उपाय है कि जनता को सावधानी रखनी होगी। जी बिल्कुल अनिल, डॉक्टर अनिल जी, आपसे आप यहाँ ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे साफ तौर पर नजर आ रहा है धीरे धीरे कि आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम आज 24 घंटे की बात करें, जो मृत्यु का आंकड़ा है वो और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है, क्योंकि जो मृत्यु का आंकड़ा है वो लगभग 507 है 24 घंटे का, और ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ है। पिछले समय में किसी भी दिन इतनी ज्यादा मौतें नहीं हुई है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जितनी की हम पिछले 24 घंटे की दिखा रहे हैं। जो आंकड़ा है वो 507 है, वो और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। जी, इसमें तो जो है इम्यूनिटी जिसकी कमजोर रहेगी इससे दिक्कत होगी, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर ने, लेकिन सवाल यहाँ ये भी है क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, हालांकि बचाव यही है कि आप मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें, जो लगातार सवाल उठ रहे थे स्वास्थ्य सेवा को लेकर, अगर हम दिल्ली की ही बात करें, क्योंकि हम देख रहे थे कि किस तरह से लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है और कुछ जो पेशेंट के तीमारदार थे उनकी ये शिकायतें भी थी कि ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है मैडम, डॉक्टर अपना काम अच्छे से करते हैं और समस्याएं अगर वहाँ पर तीमारदार भीड़ लगाएंगे तो डॉक्टर कैसे कर पाएंगे काम जी, इसलिए जो है दिक्कत हो रही है और सबकी अपेक्षाएं अलग अलग होती है और डॉक्टर अपना भरसक जो है हमसे सतत प्रयास कर रहा है। डॉक्टर को अपने को भी बचाना है, तीमारदारों को भी बचाना है, मरीज को भी बचाना है, इसलिए जो है तो तीमारदारों से जो है मरीजों की दूरी जो है वो तीमारदारों को कंफ्यूज करती है।
डॉक्टर नील, सवाल ये भी है क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं लगातार ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, जो भी इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं चीज़ें आप उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो क्या कहेंगे आप तमाम हमारे दर्शकों से कि किस तरह की क्या कुछ डाइट प्लान करना चाहिए लोगों को और किस तरह की डाइट लेना चाहिए कि जाहिर सी बात है क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं, लोगों को काम पर भी जाना है और इस बीमारी से भी बचना है। डाइट में प्रॉपर जो है विटामिन सी, विटामिन डी थ्री, थोड़ी देर धूप की सकाई करने से भी अच्छा है, फल फ्रूट ज्यादा खाएं, लता पत्ती को बिल्कुल बंद कर दें जो भी करते हो, अल्कोहल और स्मोकिंग जो भी कर रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है इसमें। और आयुष मंत्रालय ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है खाने पीने के लिए, तो ज्यादातर अच्छा रहा कि शुद्ध और स्वच्छ खाएं, थोड़ी देर धूप से भी रखें तो विटामिन डी थ्री कमी पूरी हो जाएगी, विटामिन सी से इम्यूनिटी मजबूत होती है, वो खाए फल फ्रूट ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर ने, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए जो लोग घर में रह रहे हैं और जिस तरह से देखा जाए जो कहा जा रहा है कि काढ़ा का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, विटामिन सी की जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, और क्या कुछ चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है, जिनका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए? तो बचाव के लिए यही सब उपाय है और कोई अलग से उपाय, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं बनाया है सबके लिए, जो है काढ़ा पिए, ग्रीन टी पिए और हल्दी में जो है एक चम्मच एक ग्लास दूध में आधा चम्मच हल्दी डाल के रोज पिए तो भी काफी बचाव होगा। डॉक्टर नील, जो लोग बाहर जाते हैं अपने वर्किंग जिनको जाना है उनके वर्किंग आवर्स उनको कंप्लीट करने हैं और घर भी आना है और इस बीमारी से भी बचना है, तो साफ तौर पर ये कहा गया कि जब भी आप घर से बाहर निकलें आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज खुद को रखिए, और क्या कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं? एक तो जो बाहर निकल रहे हैं मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर साथ में लेके जा रहे हैं वो अच्छा है, जब बाहर से घर लौट के आते हैं घर के अंदर एक एंट्री पॉइंट के लिए तो हाथ कार्ड बना देना चाहिए, घर के अंदर दरवाजे पर भी वहीं पर अपने सारा मास्क मोबाइल और फैन जो भी है वहीं सैनिटाइज कर लें, तब घर के अंदर एंट्री करें, उसके बाद गुंदरे पानी से नहा लें तो घर वाले भी बचे रहेंगे और जो बाहर ट्रेवल कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन समस्याएं दो राज्यों में बहुत ज्यादा हैं ये कहा जा सकता है, एक महाराष्ट्र और दूसरा दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज्यादा और बहुत ही तेजी के साथ कोरोना अपने पैर पसार रहा है, कुछ ऐसे भी मामले आए हैं सामने जिनको हालांकि जानकारी ही नहीं मिल रही है क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह से सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो यहाँ ही हॉटस्पॉट बनाए गए थे और कंटेनमेंट जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र में है, तो इन ये ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पर सतर्कता ज्यादा रखने की जरूरत है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं, लोगों ने किया नहीं और लापरवाही कर रहे हैं, अभी जैसे अनलॉक चालू हुआ है पहला आज से अनलॉक टू चालू हो गया, तो देखिए कितनी लापरवाही करते हैं और अपने आप को बचाते नहीं बचाते हैं लोग, इसमें सबको स्वयं को बचाना होगा और हर अगला आदमी को ये मान चले कि वो जो कोरोना पॉजिटिव है, दूसरा आदमी जिसको भी देखें वो मान लीजिए कोरोना है तभी बच पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर ने, लेकिन बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए यही सावधानी कहीं ना कहीं बरतने की जरूरत है क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। वो तो पहले पता ना जिसकी इम्यूनिटी रहेगी कमजोर रहेगी उसमें जो है चांसेस ज्यादा रहेंगे मौत के आंकड़े बढ़ने में, और जिनकी उम्र ज्यादा है या किसी और बीमारियों से एसोसिएटेड है कोई और डिजीज है उनकी तो उसकी समस्या बढ़ जाएगी उनकी। डॉक्टर ने, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि जिनको कुछ और भी बीमारियां हैं जो तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि लॉकडाउन में जिस तरह से पालन हो रहा था उस तरह से पालन हमने अनलॉक वन में नहीं देखा, और यही एक शायद वजह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप क्या मानते हैं? यही कारण है आंकड़े बढ़ने का, जो है अपने आप को बचाव नहीं कर रहे हैं लोग, घाट बाजार में देखिए, मार्केट में देखिए, हर जगह जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के आंकड़े बढ़ने ही हैं और स्थितियाँ अगर नहीं सुधरे लोग या हम आपने जागरूक नहीं किया तो और भयावह होने वाली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
डॉक्टर ने हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी हमसे साझा की कि किस तरह से बचा जा सकता है, किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।